बागेश्वर चुनाव की उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी पिछली बार से जोरदार जीत दर्ज करेगी, जल्द प्रत्याशियों का चयन कर ऐलान किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि बागेश्वर में भाजपा सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके किसी परिजन को टिकट देने के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी और इसके तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी उपचुनावों को लेकर राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी चयन के लिए पैनल गठित किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृश्य बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम के स्पीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव में चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर।